हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे थे एमटीएस 2021 का पेपर और आज आ गए हैं तो पेपर नंबर 44 पे, ठीक है। और ये है 25 जुलाई का जो पेपर हुआ था। 25 जुलाई में मॉर्निंग हम लोग कर चुके हैं, आफ्टरनून का पेपर करने जा रहे हैं और कल हम लोग करेंगे इसमें से इवनिंग का पेपर। उसके बाद एक दिन बचेगा 26 जुलाई का। अभी आप लोग बता नहीं रहे हो कि इसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। तो तैयार हो और जल्दी से बताओ हमें कि इसके बाद क्या पढ़ना है। वैसे मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, दो निकाल चुका हूँ, अप्रैल में जो हुआ था अप्रैल 2022 में और जो दिसंबर 2022 में हुआ था उसका मैं सीजीएल का प्री का सेट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं बोलते हो तो शुरू हो जाएगा मेरा सीजीएल का कार्यक्रम। पहले दिसंबर वाला कराऊंगा, फिर अप्रैल वाला कराऊंगा, इतने में आप लोगों को 60-70 सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, किसके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आओ मिला लेते हैं। तो स्टार्ट करो। आज का आपका पहला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ये है एडियम का क्वेश्चन। तो है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से आप दो चिड़िया मार देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, यही इसका मतलब है। हिंदी में इसका मतलब होता है एक तीर से दो शिकार करना। तो मतलब क्या हुआ, एक बार आप कोई काम करते हैं दो उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन आउट होते हैं, पहले लिखा है मेक पीस आफ्टर एन आर्गूमेंट, झगड़ा करने के बाद शांति स्थापित करना नहीं, फेस सेवरल प्रॉब्लम्स एट अ टाइम बिल्कुल नहीं होगा, एक्ट कॉर्डियली डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा विवाद होने के बाद भी हम किसी से मित्रवत बात करते हैं तो वो हो गया, ये भी नहीं है। लिखा है टू अचीव टू थिंग्स, ये है अचीव टू थिंग्स और सिंगल एक्शन, एक एक्शन में दो उपलब्धियां हासिल करेंगे, ये चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू। और क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, एरर का क्वेश्चन है भाई। एरर के क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन आई रीच्ड देयर, अच्छी बात है, सी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग, जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले ही खाना शुरू कर चुकी थी। तो ये काम ले लो, ये है उसका मेरा पहुँचना, आई रीच्ड देयर, ये हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये है उसका खाना स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि जब मैं पहुँचा वहाँ पास्ट में और मेरे पहुंचने के पहले उसने खाना शुरू कर दिया था, तो मैं पहुंचा पास्ट में तो उसका खाना खाना क्या प्रेजेंट में होगा, वो क्या होगा पास्ट इनटू पास्ट, ये पास्ट का भी पास्ट होगा, और जो पास्ट का पास्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट, समझ गए। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, उसका खाना खाने वाला सेंटेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होगा, इसलिए इस हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैड अ पूरा सेंटेंस होता, व्हेन आई रीच देयर सी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग, ठीक है। तो गलती कहाँ मिली, इसके लिए क्लियर करना पड़ेगा आपको, दिखाता हूँ। तो सी हैड ये स्टार्टेड लिखा है ना, नहीं ये वाला नहीं होगा, ठीक है, फिर गड़बड़ हो गया, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। ये हैव यहाँ लिखा हुआ है, गलती इसमें हो गई, इसमें गलती नहीं है, गलती किस में है, ये वाले में गलती है। तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, वैसे भी सी के साथ हैव लगा हुआ है तो सिंगुलर के साथ प्लूरल लगेगा नहीं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी गलत है, सी के साथ सिंगुलर लगना चाहिए, और दूसरी बार टेंस की भी गलती है, यहाँ हैड होना चाहिए था। अब बात क्लियर हो गई, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। यस ठीक है, मैं ही पूछूंगा, मैं ही जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इतना पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है, इनको इम्प्रूवमेंट करके बताओ। नॉट एवरीथिंग दैट हैपन इन नेचर्स, मतलब नेचर में जो कुछ भी हुआ करता है उसमें हर चीज इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एलोन। तो आजकल लोगों को हो गया ना कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, बारिश हो रही है ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ हो गया ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब हर चीज़ का ठीक रहा ग्लोबल वार्मिंग के सर पे फोड़ देते हैं। माना कि 80% प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है वो ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिना ग्लोबल वार्मिंग के भी वजह से हो रही हैं। तो आ जाओ पहले यहाँ आओ, देखते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट कौन है, दैट हैपन इन द नेचर, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, और इज किसके लिए लगा है, नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अलोन। अब दैट क्या लगा है, दैट का मतलब क्या हुआ, जो, जो किसके लिए लगा हुआ है, दैट एवरीथिंग के लिए लगा हुआ है। अच्छा एवरीथिंग क्या हुआ, एवरीथिंग के लिए एक वर्ब क्या लगाए हो, सिंगुलर लगाए हो। अच्छा नॉट एवरीथिंग में ये होता भी तो सिंगुलर है, उसके बाद जब दैट लगाओगे तो दैट इसी के लिए लगा है, अब हैपन कैसे प्लूरल हो सकता है, तो हैपन को भी सिंगुलर करना पड़ेगा आपको। तो हैपन की जगह क्या हो जाएगा, हैपेंस। एक बार फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए
जुड़ी हुई वर्ब के लिए है। तो जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया था कि एक एंटीसीडेंट होगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा, उसके बाद वर्ब होगी। तो वर्ब किसको देख के लगेगी? वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन को देख के नहीं, वर्ब इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, अब आ जाओ मैं आपको एक बार और क्लियर करके बताता हूँ। ये जो हैपन है वो किसके लिए लगी है? दैट के लिए। और दैट किसके लिए लगा है? एवरीथिंग के लिए लगा है। तो जो हैपन है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? नॉट एवरीथिंग के लिए। नॉट एवरीथिंग सिंगुलर है तो हैपन सिंगुलर होना चाहिए, हैपन में एस लगाओ तो दैट हैपनिंग होगा नहीं, व्हिच लगेगा नहीं, क्योंकि एवरीथिंग क्या है? निगेटिव है, सॉरी निगेटिव नहीं, इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर होता है ना, एंटीसीडेंट के रूप में अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं तो हम व्हिच नहीं लगाते, दैट लगाते हैं। तो व्हिच लगा ही नहीं सकते, तब तो आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ? दैट हैपेंस इन नेचर। और दूसरी बात, यहाँ नेचर्स लिखा है, नेचर का प्लूरल नहीं बनाओगे, नेचर का सिंगुलर बनाओगे, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? फोर वाला। क्लियर हो गया? तो थ्री में फोर। आगे बढ़ जाओ, आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा चौथा वाला। तो चौथे वाले क्वेश्चन में क्या है? फिर से एडियम है, फिर से एडियम है। तो एडियम में क्या करना है आपको? बाइट समवंस हेड ऑफ। बाइट समवंस हेड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को मेक एंग्री, किसी को नाराज कर रहे हो आप, किसी को गुस्सा दिला रहे हो। तो रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर, दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। कोई किसी चीज़ को जब हम रिस्पॉन्ड करें बड़े गुस्से में, क्या है ऐसे वाला जब करते हैं ना, तो वही वाला किसी को बड़े गुस्से में रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वही कहते हैं कि बाइट सेलेक्ट द मोस्ट, सॉरी इसको क्या कहते हैं? बाइट समवंस हेड ऑफ, किसी का सिर काट जाना, खा जाना। बाइट का मतलब खा जाना, किसी का सिर ऑफ मतलब ऐसे मुँह फैला आँख खा गए, किसी का किसी की खोपड़ी खा गए। तो खोपड़ी खाना यही होगा, किसी को गुस्सा देना पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा। और कहो तो पढ़ देते हैं, इग्नोरिंग समथिंग दैट इज एविडेंटली रॉन्ग, और काज समथिंग टू बी डन, ये भी नहीं होगा। आगे लिखा है गेसिंग और एस्टिमेटिंग, ये सब नहीं होता, वही होता है किसी को गुस्से से रिस्पॉन्ड करना। आगे आ जाओ अपने पाँचवें वाले क्वेश्चन पे। तो ये आपका पाँचवा क्वेश्चन है खाली जगह भरने का। लिखा है द पार्क इज एन डैश प्लेस टू स्ट्रोल एंड एक्सरसाइज। स्ट्रोल का मतलब क्या होता है? चहलकदमी करना। तो चहलकदमी करने के लिए और एक्सरसाइज के लिए जो पार्क है किसी जगह होती है? अनओपन। हर पार्क ओपन होती है, अनओपन के मतलब बंद जगह हो गई, तो पार्क बंद जगह नहीं होती, डाउटफुल जगह। जगह के लिए पार्क कोई डाउटफुल से क्या लेना देना यार, आइडियल जगह। हाँ ये होता है पार्क जो होता है ना एक्सरसाइज करने के लिए या टॉल एक्सटॉल करने के लिए एक आइडियल जगह है। फंसी जगह, अरे यार फंसी मतलब अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर, ये लगेगा नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। पार्क एक्सरसाइज करने के लिए, चहलकदमी के लिए सबसे अच्छी जगह आइडियल जगह होती है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स में। सिक्स में क्या है? एंटोनियम। किसका एंटोनियम है भैया? ये सिंपल लिखा हुआ है, इसी की एंटोनियम ले। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं सिंपल की क्या मीनिंग है यहाँ पर। वैसे सिंपल को तो साधारण होता है, लेकिन साधारण है कि सरल है ये देखना है ना। दो चीज़ें दो मीनिंग में आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ एम्बिगुअस लिखा है अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। अनएम्बिगुअस का मतलब हो गया स्पष्ट। तो इंस्टेड ऑफ अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? एक क्लियर स्टेटमेंट के बावजूद अनएम्बिगुअस क्लियर हो जाएगा। द यूनियन कनेक्ट्स इटसेल्फ विद सिंपल एनालिसिस। यहाँ सिंपल का मतलब क्या हो गया? साधारण नहीं, यहाँ सिंपल का मतलब क्या हो गया? सरल। तो सरल के सेंस में क्या आ जाएगा? सरल का अपोजिट एंटोनिम है ना, सरल का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये क्या हुआ? जटिल, कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका। तो ये क्या क्लियर लगेगा नहीं, साइनोनिम हो जाएगा। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। तो यहाँ शुभ का कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है तो शुभ ये लगेगा, निगेटिव सेंस में चाहिए। और एक है एंटीकेटेड। एंटीकेट क्या होता है? एंटीक चीज़ क्या होती है? आप लोग बहुत बोलते हो यार ये शर्ट बहुत एंटीक लग रही है। एंटीक का मतलब क्या हुआ? बहुत ही पुरातन, जो प्राचीन काल के मौर्यन पीरियड से रिलेटेड हो, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में मिला हुआ, तो एंटीकेटेड होता है, जिसको पुरातन कहते हैं। तो किसी का कोई लेना देना नहीं, यही कॉम्प्लेक्स होता है जटिल होने के लिए। आगे आ जाए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर सेवन करें। तो सेवन में भी ये देखो खाली जगह दी है। अब कहा कि स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स। अब ये सेंट जेवियर स्टूडेंट, यहाँ सेंट, यहाँ स्टूडेंट्स लिखा, तो सेंट जेवियर्स क्या है बच्चा? कॉलेज है, अपने आप समझ लो। तो स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर डैश अवे ऑल द प्राइजेस का मतलब जीत गए।
सारे इनाम सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स जीत गए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले देख लो, स्टूडेंट्स हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को लेंगे और स्टूडेंट्स क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, एक बात हो गई। और ये बियरिंग डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, बिना आर वार के, तो आर या वर कुछ लगा होता तो बियरिंग लगता, ये लगेगा नहीं। बोर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, पास्ट में हो जाएगा। बोर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है और ये वो वाला हो गया ना, बर्दाश्त करने वाला हो गया, तो थर्ड फॉर्म भी बिना हैज हैव हैड के लगेगा नहीं, ये भी गलत हो गई, इसकी फॉर्म गलत हो गई। बियर्स क्या हो गई? ये सिंगुलर हो गई, तो ये सिंगुलर भी हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो, जो कि पास्ट इंडिफिनिट में है और इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई मामला नहीं होता, ना फॉर्म की कोई दिक्कत होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट लगा सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो यही एक लग पा रही है बोर, और कोई नहीं लग पा रहा है। इसमें से मीनिंग निकल के आ रही है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स सारे प्राइज जीत कर ले गए। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही इंप्रूवमेंट की कहानी है, पढ़ो। द ट्रक पिकड अप, ट्रक ने उठाया पिकअप किया मोर देन, लिखा है देन, मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ गार्बेज फ्रॉम आवर नेबरहुड। तो यूजुअल अमाउंट, जो रोज रोज जितना गार्बेज ले जाता था ट्रक, उसे आज ज्यादा ले गया है। तो ज़्यादा में हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री जब यूज करते हैं बच्चा मोर, तो मोर के साथ जो दैन यूज करते हैं वो कौन सा होता है? टी एच ए एन वाला होता है ना, टी एच ए एन वाला होता है, टी एच ई एन वाला नहीं लगता। तो मोर दैन लगाओ, तो ये है आपका मोर दैन भैया, ठीक है। तो मोर दैन ये वाला दूसरा वाला लगेगा ऑप्शन में। आ गए, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। आओ भाई, 9 में क्या है? ये लो अपना 9। 9 क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बड़ा लंबा सेंटेंस है, इसका वन वर्ड बताओ। लिखा है एन एब्रिविएशन फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स को लेकर के हम क्या बनाते हैं? एक एब्रिविएशन बनाते हैं, जिसको प्रोनाउंस एज अ वर्ड, जिसको हम एक शब्द की तरह बोल सकते हैं। जैसे ओपेक है, ओ मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओ क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। पी हो गया पेट्रोल, ई हो गया एक्सपोर्टिंग, और ये कंट्रीज हो गया। तो ये ओ पी ई सी नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ते हैं इसको? ओ पी ई सी को हम पढ़ते हैं ओपेक, ओपेक ये हो गया। तो मतलब हमने बनाया क्या? बनाया एब्रेविएशन, और उस एब्रेविएशन को एक वर्ड की तरह पढ़ ले रहे हो, जैसे सार्क पढ़ लेते हो, जैसे यूनिसेफ पढ़ लेते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, तो ब्रिक्स है, और ये साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स हो गया। तो अब बी आर आई सी एस नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो उसको? ब्रिक्स, एक वर्ड की तरह बोल लेते हो, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोनीम। इस तरह को क्या कहोगे? एक्रोनीम कहते हैं इसको। और वर्ड्स जानना चाहो तो जान लो, कभी आ सकता है। कैप्शन होता है, जैसे हम लोग जब यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो वगैरह डालते हैं तो उसमें कैप्शन डालते हैं, तो कैप्शन का मतलब क्या होता है? उस वीडियो की टाइटल होती है, ठीक है। क्या हो गई? उस वीडियो की टाइटल, की स्पेलिंग गलत हो गई, एक कल ज़्यादा हो गया, टाइटल होती है। स्लोगन का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग नारा लगाते हैं किसी चीज़ का, इंकलाब जिंदाबाद। फ्लोटिला क्या चीज़ होती है? फ्लोटिला होता है ना, छोटी नावों का बेड़ा, छोटी छोटी नावें होती हैं, नावें बोट्स, उनका बेड़ा। बेड़ा का मतलब क्या हुआ? एक दो तीन नहीं, 10-20 नावें होंगी, तो उसको कहते हैं छोटी नावों का बेड़ा। एक्रोनिम अभी बता दिया था, यही आंसर होगा। तो आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या है? ये फिर देखो खाली जगह है। माय मदर डैश द मेड, मेड का मतलब क्या हुआ? नौकरानी, फॉर हर हार्ड वर्क, नौकरानी के खूब हार्ड वर्क, मतलब नौकरानी बहुत मेहनत करती है, तो उसकी मेहनत के लिए मेरी मम्मी ने उसकी क्या की बोलो? प्राइस्ड, प्राइस पे पी आर आई सी है, ये प्राइस सी लगा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? दाम लगाना। तो उसके हार्डवर्क के लिए उसको दाम लगाया, नहीं ये गलत हो रहा, ये नहीं लगा। प्राइज्ड क्या होता है? प्राइज जीता जाता है, कंपटीशन में जीता जाता है, कोई खुश होकर नहीं देता, खुश होकर जो देता है वो रिवार्ड है, और प्राइज होता है कंपटीशन से मिलता है, तो ये प्राइज भी नहीं लगेगा।
और प्रेज्ड मतलब उन्होंने उनकी तारीफ की, मतलब मेड ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, तो माँ ने उसकी क्या की, तारीफ की, प्रशंसा की। तो ये प्रेज तो हो सकता है, ये लगा लो अपना प्रेज। और प्रेज मतलब प्रार्थना की, तो मम्मी मेड से प्रेज थोड़े न कर रही है यार, तो ठीक है ये वाला नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 3 वाला हो गया। ठीक है आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं हम लोग, 11 पर, अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, साइनोनिम बताना है, किसका साइनोनिम, बस्टल का होता है। तो एक्चुअली जो वर्ड है ना वो है हस्टल बस्टल, HUSTLE, हस्टल बस्टल ये वर्ड होता है। तो हस्टल बस्टल का मतलब क्या होता है ना, शोरगुल होता है और या जल्दबाजी होती है, अफरा तफरी कह सकते हो, ये सब होता है, मतलब भागम भाग, भाग दौड़, अफरा तफरी कह सकते हो इसको, ऐसे लिखो अफरा तफरी। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे कह दिया गया 10-20 लोग इकट्ठा हो, कोई कहे कि बम रखा है, तो जो हस्टल बस्टल होगा उसी को कहते हैं। तो हस्टल बस्टल का साइनोनिम क्या हो सकता है, रस। रस का मतलब क्या हुआ, भागम भाग हो सकती है, कहीं मतलब सब लोग एक साथ टूट पड़े भाग लें तो उसी को कहते हैं रस। ठीक है आगे वर्ड पे आते हैं, लेकिन और वर्ड आपको बता दें इसके साथ, प्रेज अभी बता दिए थे, प्रशंसा करना, फोर्स मतलब दबाव डालना, ब्लॉक मतलब रुकावट पैदा करना। आगे आ जाओ, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये रहा 12 आपका, इसमें बता इनकरेक्टली, ध्यान देना इनकरेक्टली स्पेल, जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो बताओ। कंटेंसस, कंटेंसस तो मतलब मुझे गलत लग रहा है, कंटेंसस में क्या होता है एक्चुअली, कंटेंशन, कंटेंट, उसमें टी होगा, TIOUS होता है, ये जो सी लिखा है ना ये सी की जगह पर टी होना चाहिए। कंटेंसस का मतलब क्या होगा बच्चा, कंटेंसस का मतलब होता है विवादित, कोई चीज़ जिस पर विवाद चल रहा हो, ठीक है वो होता है कंटेंसस। ठीक है अब आगे आ जाओ, प्रीवेरिकेट, मैं इसको क्लियर करके तब आप लोगों को बताता हूँ। कंटेंसस विवादित हो गया, यही हमारा आंसर है, इसकी स्पेलिंग गलत है सी। और प्रीवेरिकेट का मतलब क्या होता है, छल कपट, छल और कपट हो गया। और रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, ठीक है हमने कोई बात की आप उसे सहमत नहीं, मेरी बात को काट दे रहे हैं, तो वह खंडन करता होता है। रिवर का मतलब होता है सम्मान, क्या होता है ये, रिवर का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, किसी का आदर या सम्मान करना हो गया। ठीक है बात क्लियर हो गई, ठीक है ये बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, गलत किसकी थी, कंटेंसस की थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक 13 में क्या करना है, एरर बताओ इसमें जरा। तो लिखा है सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, सर्जिकल स्ट्राइक इकलौता सोल्यूशन नहीं है टू दिस प्रॉब्लम, स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस, स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ नहीं होता, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस होता है, जो हमारे सामने है, और वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडिंग बिफोर अस होता है। क्यों, इन फ्रंट ऑफ जो यूज़ किया जाता है वो लैंडमार्क बताने के लिए है, मुसीबत वगैरह बताने के लिए क्या हम योग यूज करते हैं, मुसीबत वगैरह बताने के हम लोग बिफोर यूज करते हैं, बात समझ गए। तो यहाँ बिफोर लगना चाहिए था, इन फ्रंट ऑफ गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, ये वाला है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में बताना है क्या, साइनोनियम बताना है, किसका साइनोनियम, रिलायबल का। रिलायबल किससे बना है, एक वर्ड है रिलाई, ठीक है नहीं बना आपको, ठीक है फिर से लिखता हूँ RELY, रिलाई का मतलब क्या होता है, डिपेंड, ठीक है डिपेंड करना या किसी पर बिलीव करना, या बिलीव करना ये हो जाता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, किसी पर डिपेंड करते हैं, भरोसा करेंगे तभी तो डिपेंड करेंगे ना यार, तो वो होता है, इसी रिलाई से बना है रिलायंस, इसी से बना है रिलायबल। तो अगर रिलाई में रिलायबल हो गया तो डिपेंड में डिपेंडेबल कर लो, हो गया बिलीव होता तो बिलीवेबल कर लेते, जो ऑप्शन मिल जाए वो बन जाएगा, तो ये डिपेंडेबल हमको मिल गया। डाउटफुल, ड्यूबियस, डॉगी का कोई मतलब नहीं है ना, डॉगी को क्या करोगे देख के, डॉगी का मतलब क्या होता है पता है, डॉगी का मतलब होता है कुशल, एक्सपर्ट, कोई काम करने में एक्सपर्ट होता है वो डॉजी होता जाता है। ठीक है तो आंसर कौन सा हुआ आपका, डिपेंडेबल हो गया, क्यों हुआ कैसे हुआ आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 में क्या पूछ रहे हैं, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना, ये इम्प्रूवमेंट है, ये दिखा वर बीइंग इमर्ज। ठीक है देखते हैं क्या है। इन द 19th century, 19वीं शताब्दी में मेनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन और लर्निंग के बारे में नए नए आइडियाज वर बीइंग इमर्ज, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब ये बताओ कि
आइडियाज़ आ रहे थे, नए नए विचार उभर रहे थे, तो ये एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा? तो ये सेंटेंस नए नए विचार उभर रहे थे, ये पैसिव में उभारे नहीं जा रहे थे, विचार उभर रहे थे, विचार उभारे जा रहे थे नहीं, सेल्फ हो रहा था, तो सेल्फ हो रहा था तो विचार उभर रहे हैं, उभारे नहीं जा रहे हैं, इसको हमें किस में बनाना चाहिए? एक्टिव वॉइस में बनाना चाहिए। तो या तो वो ये कर दोगे ना कि मेनी न्यू आइडियाज़ वर इमर्जिंग, या तो वर इमर्जिंग या इमर्ज्ड कर दो, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस बनाओगे तो वर इमर्जिंग हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो हैड इमर्ज्ड कर जाओगे। तो मतलब यहाँ हमें करना क्या, या तो इमर्ज्ड कर दो, या तो हैड इमर्ज्ड कर दो, या तो वर इमर्जिंग कर दो, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमें कौन सा मिलेगा, वाज इमर्जिंग है, वाज गलत हो जाएगा क्योंकि मेनी आइडियाज है ना, मेनी न्यू आइडियाज है, तो वाज नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी नहीं, वैसे भी पास्ट की बात है, 19th सेंचुरी की है। इमर्ज जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो ये चौथा वाला हमारा सुटेबल बैठ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है इसमें, एरर बताओ, बड़े क्वेश्चन है एरर के। लूसी वाज अनवाइड टू डिस्कवर, ये पता चला जब लूसी को तो नाराज हो गई कि हर हस्बैंड हैड टेकिंग हर, यार क्या बताएं भैया, एक ही बात रोज बतानी पड़ती है। वर्ब फॉर्म हैज है, हैव है या हैड है, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कल भी मैं इसी बात पे हंसी आ रही थी, आज फिर इसी बात पे आई, कितना आता है वर्ब फॉर्म हद हो गई है यार, ठीक है। तो यहाँ भैया हर हस्बैंड हैड के बाद टेकिंग नहीं होगा, हैड टेकन होगा। कहाँ है आपका आंसर, ये हैड टेकिंग गलत हो गया, फोर्थ नंबर का। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में फिर क्या है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट में क्या, आई गिव्स हिम, भैया एक बात तो ये है कि आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंगुलर नहीं लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लग, तो गिव्स नहीं होगा, एक चीज़ क्या हो जाएगी, गिव होना चाहिए। अब देखिए टेंस कौन सा है, आई गिव हिम सम ऑरेंज जूस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, तो ये ऐसा रोज होता है कि एक दिन हो गया, रोज या एक दिन, तो ये एक दिन की बात, एक दिन की बात है ना, रोज रोज तो ऐसा हुआ नहीं, तो रोज रोज होता तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता, अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं होगा, पास्ट में जाएगा, गेव हो जाएगा, ठीक है। मैंने उसको रेफ्रिजरेटर से ऑरेंज जूस दिया कि देता हूँ, रोज रोज थोड़े देता हूँ, रोज रोज की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ अब आप अपना आंसर लगाओ, तो यहाँ गिव्स की जगह गेव करो, आई गेव हिम सम ऑरेंज जूस, ये पहला वाला हो जाएगा। गिव्स गलत हो गया, गिवन गलत हो गया, गिवन कैसे लगा दोगे बिना हेल्पिंग वर्ब के, उसमें थर्ड फॉर्म में आई हैड गिवन होता तो लगा देते, आई हैव गिवन होता तो लगा देते, आई गिवन डायरेक्ट कैसे हो सकता है, तो क्या लगाओगे, आई गेव हिम, ठीक है। आ जाओ 18 नंबर पे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, बताना है एंटोनियम, एंटोनियम किसका है, प्रैग्मेटिक का। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, पहले ये समझ लो, प्रैग्मेटिक का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, और दूसरा वर्ड सारे के सारे नोट कर लो बच्चा एक बार में, प्रैक्टिकल होता है, फीसिबल होता है, एक वर्ड और होता है वायबल, VIABLE, वायबल। तो प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, फीसिबल है, वायबल है, जिसको हम लोग अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसको, कोई ऐसी चीज़, सिद्धांत, थ्योरी, प्रिंसिपल, कोई भी चीज़ जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जो अप्लीकेबल होता है, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो प्रूडेंट, अब इसमें मीनिंग आ जाओ, प्रूडेंट का मतलब समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, प्रूडेंट। और एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य से रिलेटेड होता है, सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र होता है। इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का अपोजिट, अगर प्रैग्मेटिक का प्रैक्टिकल होगा तो इम्प्रैक्टिकल मतलब जिसको हम अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा एंटोनियम हो गया। डल का मतलब जानते हैं, यो बुद्धू टाइप का होता है, ठीक है। तो 18th का कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब आ जाओ 19th में जरा भैया, ये 19th में फिलर है आपको, पढ़े जाना। तो लिखा द मेन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट मतलब जो मुख्य गली थी, विच इज नाइदर ब्रॉड
जो मेन स्ट्रीट है जो कि ना तो ब्रॉड है ना डैश है। आगे लिखा है रन्स पास्ट दिस स्क्वायर ऑन इट्स वे टू द रेलवे स्टेशन। इस चौराहे से रेलवे स्टेशन तक जाती है ये गली जो कि ना तो बहुत चौड़ी है और ना ही, तो क्या कहें, ना तो बहुत ब्रॉड है, ना तो बहुत चौड़ी है और ना ही, आगे बोलो 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 क्या निकल रहा है, ना तो बहुत चौड़ी है और ना ही बहुत पतली है, यही तो कहोगे ना, ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है, ना तो बहुत अमीर है और ना ही बहुत गरीब है। अपोजिट आ जाता है ना इधर, नॉर्मल की नहीं आता है, तो वही चीज़ आती है, ना तो बहुत चौड़ी है और ना बहुत सकरी है। गली के लिए यही लगाओगे। अब आंसर ढूंढो, ना तो बहुत चौड़ी है और ना बहुत सकरी है। सैलो, अब सैलो होगा, सैलो माने क्या होता है, सकरा या छिछला, छिछला होता है तो नहीं होगा। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। अब ये बताओ ब्रॉड माने भी चौड़ा, वाइड माने भी चौड़ा, दोनों लगेगा, नहीं लगेगा। हाई माने ऊंचा, ना तो बहुत चौड़ी है ना तो बहुत ऊंची है, क्या ले रहे मतलब, ना तो चौड़ी है और ये नैरो क्या हो गया, सकरी है। तो ये गली भैया ना तो बहुत चौड़ी है ना तो बहुत सकरी है। ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, फोर वाला हो गया, करेक्ट। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यह क्या लिखा, मिस स्पेल्ड वर्ड। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो हमको बताओ। आई सही है, सूट सही है, सिक्योर की गलत है, डबल सी नहीं होता। सिक्योर की स्पेलिंग क्या होती है, एस यू एस ई सी यू आर ई, क्या होगा, एस ई सी यू आर ई। तो सम कंपनी, कंपनी ठीक है, सम सही है, कंपनी सही है, फार सही है, माई सही है, लोनली गलत है। लोनली की स्पेलिंग क्या होती है, एल ओ एन ए एल वाई, ठीक है, ये होगी लोनली। चलो मिलाते हैं, तो सिक्योर में ये गलत हो गया, सिक्योर में ई नहीं लगा है, सी ओ यू लगा हुआ है, एक ही सही है, तो हो गया आंसर, और करने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहे लोनली की मिलाना हो मिला लो, बन क्या करना है, आप कहोगे आंसर हो चुका है। लोनली में ये लोनली गलत है, एल ओ एन ई एल ई वाई, ई वाई नहीं होगा, लोनली में एल ओ एन ई एल वाई, ये सही हो गया और ये वाला सही हो गया, तो सही है लोनली का। तो लोनली का मतलब लेना देना क्या, इसके सही होने से भी क्या फर्क पड़ा, सिक्योर तो गलत हो ही गया, तो ये चौथा वाला है जिसका पूरा सही है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, 21 से लेकर के 25 तक। तो 21 से 25 में करना क्या होता है, ये आपको पता ही है। आज वाला पैसेज थोड़ा बड़ा था तो मैंने एक में ही कर रखा था, नीचे ऑप्शन देने में बन नहीं रहा था, तो एक बार ये ऑप्शन यही वाला रहेगा, इसको आप देख लीजिए, हम आगे चल के लगाते जाएंगे। चलो लिखा हुआ है कि ट्रेजेडी हैज वंस अगेन स्ट्रक, ट्रेजेडी एक बार और, मतलब ट्रेजेडी मतलब कोई दुर्घटना होती है, ट्रेजेडी वंस अगेन हैड स्ट्रक, स्ट्रक मतलब हुआ टकराई है, किससे, वालाचुकट्टी फैमिली, एक मतलब परिवार का नाम है वालाचुकट्टी फैमिली, और कहाँ है ये, सुपिकाड़ा, ये क्या है, ये जगह है सुपिकाड़ा में, सुपिकाड़ा कहाँ है, केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, गाँव है, तो सुपिकाड़ा एक जगह है केरला में, ठीक है, केरला का कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है, जगह का नाम पता, जब कोरोना फैला था तो उसमें एक निपा वायरस फैला था, उस समय ये जगह आई थी चर्चा में। तो केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में सुपिकाड़ा एक गांव है, उस गांव में ये है ना वालाचुकट्टी परिवार है, इनके ऊपर एक बार फिर मुसीबत आई है। हुआ क्या था कि एज वन मोर मेंबर, क्योंकि एक और परिवार डैश टू द निपा वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे, घर का एक और मेंबर निपा वायरस से ग्रसित हो गया, पाया इन्फेक्टेड पाया गया। तो यहाँ डैश टू ऐसा वर्ड लगाना जिसके साथ टू लगता है, जैसे होता है सकम्ब टू, सकम्ब टू मतलब क्या होगा, उसे ग्रसित हो गया, सकम्ब टू डेथ मतलब मृत्यु को प्राप्त हुआ, सकम्ब टू कोरोना, सकम्ब टू ऐसे जो वायरस वगैरह हो जाते हैं, सकम्ब के बाद टू लगाते हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ सकम्ब वर्ड ही दिया होगा। आगे लिखा है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जिला चिकित्सा अधिकारी थे, नाम था वी जयश्री नाम था उनका, तो वी में कुछ भी हो सकता है, वेणुगोपाल इस तरह का कुछ नाम होता है, मुझे पता नहीं था। वी जयश्री टोल्ड दैट, तो उन्होंने बताया कि दैट वी मूसा, अब वही होंगे कोई उनके व्यक्ति का नाम होगा जिसको बीमारी हुई थी, दैट वी मूसा 60, वो 60 साल के थे, who had been dash treatment at baby memorial hospital in the city died on
मे 24 मॉर्निंग, तो 24 मई की सुबह सुबह उनकी डेथ हो गई। जो बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा था हैड बीन डैश ट्रीटमेंट, तो हैड बीन के बाद और की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो हैड बीन मतलब अंडरगोइंग जैसा कोई वर्ड आएगा, जिनका वहाँ पर इलाज चल रहा था, ठीक है। हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट, अगर अंडर लगा होगा तभी हो सकता हु हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट या हु हैड बीन अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट, ऐसे कोई वर्ड आएगा। देख लेते हैं कि क्या मिल जाता है हमको। आगे लिखा है दिस इज द फोर्थ डेथ इन द फैमिली, ये चौथी डेथ है, मतलब चार लोग उस परिवार में डेथ जिनकी डेथ हुई है। आगे लिखा एज मूसाज सन्स मोहम्मद साबित, और लिखा है कि मोहम्मद सालिब और उनकी सिस्टर इन लॉ मरियम टू हैड डाइड ऑफ द इन्फेक्शन। तो इतने लोगों की, तीन लोग पहले हो गए, एक वो मूसा हो गए, चार लोग हो गए, इनकी डेथ इसी इन्फेक्शन से हुई थी। डैश में मे का मतलब क्या हुआ, मई में हुई थी, तो मई के लिए क्या लगाओगे, इन लगा दोगे, यहाँ तो पक्का है इन ही लगेगा, ठीक। विद दिस, इसी के साथ द डेथ डैश ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन हैज गॉन अप टू 12, और इसी के साथ जो इस वायरस से जितने लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या हो गई 12। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डेथ टॉल, फिक्स है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो, देखा करो, तो पता चलेगा डेथ टॉल मतलब मौतों की गिनती। कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहा था डेथ टॉल, डेथ टॉल, डेथ टॉल, डेथ टॉल मतलब मौतों की गिनती, तो फोन नंबर पर टॉल लग जाएगा, तो 12 हो गई। टू पर्संस हुज ब्लड एंड बॉडी फ्लूड सैंपल्स वर डैश, दो लोग जिनकी जिनके ब्लड और बॉडी सैंपल लिए गए थे। आगे लिखा है या टेस्ट किए गए थे, जो भी लगा होगा यहाँ पर लिए गए थे, टेस्ट किए गए थे, टेस्टेड पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका मतलब लिए नहीं गए थे, तो टेस्ट हो चुका ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो टेस्टेड हो गया, जिनका ब्लड सैंपल टेस्ट किया गया था वो पॉजिटिव पाए गए हैं फॉर इन्फेक्शन। आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, ये लोग इनका इलाज चल रहा है, तो अगर यहाँ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट है तो यहाँ भी ट्रीटमेंट के पहले यहाँ भी अंडरगोइंग ही होगा। चलो मैं इस बात को एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ, तो यहाँ ट्रीटमेंट के पहले बच्चा क्या लिखा है, आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, तो यहाँ भी ट्रीटमेंट के पहले अंडरगोइंग लगा दो बिना सोचे समझे, तो दूसरे वाले फिलर में अंडरगोइंग लगाना है हम लोगों को, और वन वाले में हमको देखना है कि क्या ऑप्शन लगाना है, ये मई वाले में इन लगाना है पक्का ही होगा, और यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं तो टेस्ट ही हुआ होगा, और यहाँ पर क्या लिखा है डेथ टॉल है, तो कभी कभी बिना ऑप्शन देखे चारों के चारों फिक्स हो गए, तो कुछ वर्ड फिक्स ही थे ना, ये इन वाला फिक्स है, डेथ टॉल फिक्स ही होता है, और ये वाला यहाँ देखने को मिल गया हमें अंडरगोइंग से पता चल गया है, तो बचा क्या है, सब तो हो ही गए। चलो आगे आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं अब इसमें से पहला वाला फिलर, ठीक है। तो पहला दो फिलर हमको यहाँ पे मिल गए, मैंने अब की बार ऐसे दे दिया। पहले फिलर में क्या है, सकम टू डेथ, देखो उसमें टाइप टू लिखा हुआ था ना, तो पाइनियर्ड टू डेथ होगा नहीं, एम्बेजल मतलब गबन करना होता है, गबन करना, यहाँ कहाँ गबन कर रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों की, डाइट लगेगी नहीं, डाइट टू डेथ, डाइट डेथ थोड़े हो जाएगा, डाइट टू डेथ नहीं होता, क्या होता है सकम टू वायरस होता, डाइट टू वायरस नहीं होता, तो क्या होता यहाँ होता डाइट ऑफ वायरस, ठीक है, तब लग जाता, तो यहाँ सकम टू लिखा हुआ है, ये इसलिए सकम लगेगा। दूसरे में क्या लिखा है, अब वही है ना कि ट्रीटमेंट था ना, तो ट्रीटमेंट में क्या अंडरगोइंग ट्रीटमेंट यही लगेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट मैंने पहले ही बता दिया था ये लगेगा, ठीक है, दूसरे में ट्रीटमेंट लगाना था हम लोगों को। अब आ जाओ हम लोग करते हैं कौन सा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक, तो 23 से ले लो, 23 और 24 को ले लो, तो 23 में क्या करना था, मई लिखा था ना कि मई में उनकी डेथ हुई थी, तो इन मई मैंने पहले बोल दिया था मई के पहले इन लगेगा। अब इसमें चौथे वाले में था ना डेथ डैश, मौतों की संख्या क्या हो गई है 12, तो डेथ टॉल मैंने कहा था लगाने को, ये वाला टॉल नहीं होता, क्या होता है ये वाला टोल होता है TOLL, ये वाला जो TOLL वाला तो टोल ना, ये होता है जो टोल टैक्स लगता है सड़कों पे, वो वाला स्क्रॉल रोल यहाँ कहाँ कर रहे हो भैया, ये टोल होता है ये वाला जो पहले में दिया है टोल, ये होता है लेकिन जो सड़कों पे टोल टैक्स लगता है वो वाला हो गया, यहाँ पे ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। पाँचवें नंबर पर देख लेते हैं हम लोग क्या लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने कहा था ना कि उन लोगों को डैश पॉजिटिव पाया गया है, तो जब पॉजिटिव पाया गया तो इम्प्लीमेंटेड पॉजिटिव, सपोर्टेड पॉजिटिव, रजिस्टर्ड पॉजिटिव या टेस्टेड पॉजिटिव, तो टेस्टेड पॉजिटिव होगा, रिजल्ट आ गया तो टेस्टेड पॉजिटिव आना ही चाहिए। अब आ गए हम लोग कर चुके हैं किसके 44 के 25 क्वेश्चंस, ठीक है।
अब कितने बचे हैं आपके सेट? कुछ चार सेट बचे हैं, चार दिन में एमटीएस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछले भाई ये बहुत हैं, एक रिकॉर्ड है, देख डालिए, रोज एक एक सेट लगा डालो। ठीक, और सबके पीडीएफ सबके साथ लगे हुए हैं। उम्मीद है कि ये सेट आप लोगों को, ये डिस्कशन पसंद आया होगा, आप लोगों का की अंग्रेजी इम्प्रूव कर रही होगी। एक बार एक बच्चे ने बताया था सर बहुत इम्प्रूव हो गई, और किसी ने तो बताया ही नहीं है। तो आप लोगों की अंग्रेजी की क्या कंडीशन है भाई? पेपर इतना करने से इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना फ़ायदा हुआ बताते रहो यार, अच्छा लगता है और एनर्जी मिलती है, अगले दिन और जोर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।